हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप हल्दी के इस्तेमाल से यानी हल्दी का इस्तेमाल करके आप कैसे अपना फैट बर्न कर सकते हैं। जी हाँ, हल्दी सभी के घरों में आसानी से मिलने वाला एक सामग्री है, एक मसाला है, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना फैट बर्न कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हल्दी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिस कारण से आपका फैट बर्न होता है। हल्दी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक तत्व के कारण कैथेलिसाइडिन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड CMP नामक प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। करक्यूमिन आपका फैट बर्न करने में मदद करता है, क्योंकि हल्दी में एक करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि आपका फैट जलाने में बर्न करने में आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है। CAMP प्रोटीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी में CAMP प्रोटीन पाया जाता है जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में शरीर की मदद करती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। हल्दी का सेवन अल्जाइमर और अन्य दिमागी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। जैसे आपको अल्जाइमर है तो उसका जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा, दिमाग की बीमारियां वो भी कम हो जाएंगी, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या वो भी हल्दी से सही हो जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका वेट लॉस हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो तो आपको क्या करना है, आप हल्दी का सेवन नियमित रूप से करें। आप हल्दी वाली चाय या फिर हल्दी का जूस नाश्ता करने से पहले पिएं। अब आप हल्दी का जूस कैसे बनाना है या हल्दी वाली चाय कैसे बनानी है, तो आप गूगल पे या बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, आप उन पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, रात में सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध तो बहुत आसान होता है, एक गिलास दूध लिया, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाली, हल्दी वाला दूध बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आप जो है हल्दी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि किसी भी चीज़ को अगर लेना है तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, एक लिमिट में ही आपको लेना है, क्योंकि आप जब इसका अधिक सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान होने लगेगा। और आप यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप हल्दी को जो है एकदम नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप हल्दी के सप्लीमेंट्स वगैरह ले आएँ और तब उन्हें इस्तेमाल किया। तो आपको क्या करना है, हल्दी का पाउडर जो कि आप घर में भी पी सकते हैं अपनी मिक्सी वगैरह में, या फिर हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हल्दी के इस्तेमाल से अपना फैट बर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।